हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए ये ग्रीन फैब्रिक लिया हमने 2 मीटर और ये वाइट फैब्रिक हमने लिया है 1 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए फैब्रिक को मैंने बस एक फोल्ड किया हुआ है। अब हम पूरी लेंथ देख लेते हैं। तो पूरी लेंथ मैंने ली है 38 इंचज़ की। अब हम यहाँ से मार्किंग शुरू करते हैं। हाफ इंच जितना मैं छोड़ दूंगी, वहाँ पर मुझे पट्टी करनी है, इसलिए अब हम मार्किंग यहाँ से शुरू करेंगे। शोल्डर का पार्ट लेते हैं, मैं ले रही हूँ 7 इंचेस। आर्म होल भी हम लेंगे 7 इंचेस का ही। अब हम यहाँ पर जहाँ हमारा आर्म होल खत्म होता है, वहाँ आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो, 1/4 पार्ट करना है। प्लस हम इसमें 1.5 से 2 इंच स्विंग अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे 11 इंचेस ले रही हूँ। तो ये 11 इंच पे हमारा मार्क हो गया। ऊपर से 15 इंच पे मार्क करेंगे हम। ये होगी हमारी कमर की लेंथ। यहाँ पे हम ले रहे हैं 10 इंचेस। ऊपर 11 लिया था, 1 इंच कम लेंगे। मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। तो ये 10 इंच पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम हिप्स की लेंथ ले लेते हैं। तो इस तरीके से हिप्स की लेंथ मैं ले रही हूँ 19 इंचेस की। अब यहाँ पे आपको हिप्स का 1/4 पार्ट करना है। प्लस हम 1.5 से 2 इंच स्विंग अलाउंस के लिए ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 12 इंचेस। तो ये 12 इंच पे मार्क हो गया हमारा। अब इन सारे पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे। तो इस तरीके से सारे पॉइंट्स हमने जॉइन कर लिए हैं। अब यहाँ से बस क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लीजिए पूरी लेंथ में। अब हम बनाते हैं हमारे आर्म होल को। तो देखिए, आर्म होल की लेंथ तो हमने ली थी 7 इंचेस की, जिसका हाफ लेंगे 3.5 इंचेस। अब हम राउंड में शेप ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल का पार्ट। चलिए अब बनाते हैं नेक को। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी 4.5 इंचेस और हम नेक की लेंथ ले रहे हैं 3 इंचेस की। अब हम राउंड में शेप दे देंगे। तो ये हमने राउंड में शेप दे दिया है। तो देखिए, मार्किंग हो गई है हमारे फ्रंट पार्ट की। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए, हमने कट कर लिया है। तो फ्रंट के लिए हमारे पास 2 पार्ट बन के आए हैं। इस तरीके से ये बनेगा हमारा फ्रंट का पार्ट। बैक का पार्ट बनाने के लिए देखिए, हमने कोई कटिंग नहीं की है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें इस तरीके की एक लाइन ड्रॉ की है बस मिडल में। हमें यहाँ पर इन्वर्टेड बॉक्स प्लेट लेनी है। तो दोनों तरफ मार्किंग कर देंगे। इस तरफ भी मैं मार्क कर रही हूँ 3 इंचेस, इस तरफ भी मार्क करूँगी 3 इंचेस पे ही। अब हम इन्वर्टेड बॉक्स प्लेट के लिए इसे इस तरीके से इस लाइन पे रख देंगे और यहाँ पर हम पिन कर लेंगे, ताकि ये प्लेट्स हमारी निकले ना। तो ये हमने पिन कर लिया है। इस तरफ भी वही करेंगे, इस प्लेट्स को इसके लाइन के ऊपर रख के यहाँ पर हम पिन कर लेंगे। तो ये हमने पिन कर ली है। इस तरफ ऊपर की तरफ भी हम इसे पिन करेंगे। तो इसको अच्छे से अरेंज करके ऊपर की तरफ भी पिन कर लीजिए। दोनों तरफ हम पिन कर लेंगे, ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। तो यहाँ से इसे फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। जहाँ हमने प्लेट्स ली थी, वहीं से मैं फोल्ड कर रही हूँ। देखिए, इसे हमने यहाँ से फोल्ड कर लिया है। अब हम मार्किंग शुरू करते हैं। तो आर्म होल हम लेंगे 7 इंचेस, जैसे हमने फ्रंट के लिए लिया था। आर्म होल भी लेंगे 7 इंचेस का ही और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो, आपको 1/4 लेना है, जैसे फ्रंट पार्ट के लिए लिया था। बिल्कुल वैसे ही हम मार्किंग कर रहे हैं। कमर की लेंथ हम ले रहे हैं 15 इंचेस की और हिप्स की लेंथ ले रहे हैं 19 इंचेस की। कमर की चौड़ाई हम लेंगे 10 इंचेस की और हिप्स की हम ले रहे, यहाँ पे हिप्स का मार्क करेंगे, हम ले रहे हैं 12 इंचेस। अब सारे पॉइंट्स को हम जॉइन कर लेंगे। हिप्स में और चेस्ट में आपको 1/4 पार्ट लेना है। प्लस 1.5 से 2 इंच हम स्विंग अलाउंस के लिए मिला लेंगे। यहाँ से बस स्ट्रेट में लाइन ड्रॉ कर ली हमने। आर्म होल के लिए भी 7 का हाफ होता है 3.5, और यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। चलिए नेक को बना लेते हैं। तो नेक की चौड़ाई 4.5 इंचेस लेंगे हम। इसकी लेंथ हम लेंगे 2 इंचेस की ही, बैक के पार्ट की, और राउंड में शेप दे देते हैं।
ये बन गया हमारा बैक का पार्ट की मार्किंग। चलिए अब इसे भी कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे भी कट कर लिया है और इस तरीके से हमारा बनेगा बैक का पार्ट। ये है हमारा बैक का पार्ट। अब देखिए स्लीव्स के लिए फैब्रिक को मैंने फोर फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई हमने ली है 9 इंचेस की। अब यहाँ से हम मार्क शुरू करते हैं। यहाँ से मैं 3 इंच पे एक मार्क कर लूँगी ऊपर से। अब हम स्लीव्स का शेप दे देते हैं। यहाँ पे नीचे ये देखिए पूरी लेंथ जो हमने ली है वो ली है 13 इंचेस की। और सबसे नीचे यहाँ आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई। मैं ले रही हूँ सीविंग अलाउंस की और मिला के 6 इंचेस की। और हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये बन गई हमारी स्लीव्स की पैटर्न। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। चलिए अब इसे ओपन करते हैं। तो इस तरीके से ये बनेगी हमारी स्लीव्स। दो पार्ट बन के आए हैं स्लीव्स के लिए। वाइट में हमें जो पैटर्न करनी है उसके लिए देखिए सबसे पहले बैक पैटर्न के लिए हमने ये पीस कट किया है जिसकी चौड़ाई हमने ली है 14 इंचेस की और लेंथ हमने ली है 12 इंचेस की। और ये पॉकेट बनाने के लिए एक पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 6 इंचेस की और लेंथ हमने ली है 7 इंचेस की। और स्लीव्स में बनाने के लिए दो स्ट्रिप ली है हमने। तो ये पार्ट हमने कट किए हैं हमारे पैटर्न करने के लिए। सबसे पहले हम बैक की पैटर्न बनाएंगे जिसके लिए देखिए फैब्रिक को हमने फोल्ड किया हुआ है। अब इस पार्ट को इसके ऊपर रख देंगे। अच्छे से मिला लीजिए। अब देखिए नेक जैसा है बिल्कुल वैसे ही हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से भी हल्का सा शेप में हम बस इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और ये बनेगी हमारे बैक की पैटर्न। ये देखिए कुर्ती को हमने उल्टी साइड रखा है। ये हमारा बैक पार्ट है। इसके ऊपर अब हमारी जो ये पैटर्न कट की है हमने उसे भी उल्टा रखेंगे। अब हम इस नेक में सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब हम हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे ताकि हमारी चुलना आए जब हम इसे टर्न करें राइट साइड पे। ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई ना कटे। चलिए अब इसे राइट साइड पे टर्न कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हम यहाँ से इसकी बॉर्डर को फोल्ड करेंगे इस तरीके से और सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से इस तरफ भी बॉर्डर को फोल्ड करके सिलाई कर दीजिए। तीनों तरफ हम बॉर्डर को फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। हमारा बैक का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम फ्रंट के पार्ट में हमारी पॉकेट को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर अटैच करना है हमें। तो बॉर्डर को फोल्ड करते जाइए और सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से तीनों तरफ के बॉर्डर फोल्ड करके हम यहाँ पर इसे अटैच कर लेंगे। ये देखिए हमने पॉकेट को अटैच कर लिया है। अब हम स्लीव्स में भी इस वाइट फैब्रिक को अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो हमने स्ट्रिप बनाई थी उसको इस तरीके से पहले एक फोल्ड करिए और उसको इसके ऊपर फोल्ड करके रखेंगे। इस तरीके से दोनों फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और हम अटैच कर लेंगे। लास्ट में हम इस तरफ के फैब्रिक को भी फोल्ड करके सिलाई कर देंगे। तो ये स्ट्रिप यहाँ पर अटैच हो जाएगी हमारी। ये देखिए हमने नीचे में बॉर्डर को इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पर ये स्ट्रिप को बना लेंगे। तो देखिए ये राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर हमने एक स्ट्रिप बनाई है इस तरीके से, जिसे हम इस तरीके से रख देंगे और पूरी लेंथ में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी करना है। ये देखिए ये हमारा राइट पार्ट है। इसके ऊपर हम इस स्ट्रिप को इस तरीके से रखेंगे और पूरी लेंथ में हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब देखिए इसको फोल्ड कैसे करना है। तो इस तरीके से हल्का सा हम इसको बाहर की तरफ रखेंगे और फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। और इसको भी हमें फोल्ड करना है। तो इसे फोल्ड कैसे करेंगे वो देख लीजिए। तो इसको हम पूरा इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करना है और दूसरे पार्ट को हम हल्का सा बाहर निकाल के फोल्ड करेंगे। ये देखिए हमने सिलाई कर दी है। अब हम क्या करेंगे, एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर इस तरीके से रख के इसे फिक्स कर लेंगे। हम इसे यहाँ पर सिलाई कर देंगे। यहाँ तक हम सिलाई कर देंगे, बाकी का पार्ट हम ओपन रखने वाले हैं। तो बस यहाँ तक इस पर सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है। अब बारी आती है नेक को बनाने की। तो ये राइट पार्ट है हमारा
जिसके ऊपर इस तरीके से स्ट्रिप को हम रखेंगे और पूरे में सिलाई कर देंगे। उसके बाद हमें कट लगाकर इसे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करना है। ये देखिए हमने नेक को बना दिया है, सिलाई करके कट लगा के हमने बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लिया। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर बैक का पार्ट हम उल्टा रखेंगे इस तरीके से। और अब हम शोल्डर की फिटिंग कर लेंगे, दोनों शोल्डर को मिला के सिलाई कर दीजिए। ये देखिए शोल्डर फिटिंग हमने कर ली है। अब ये राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर हम स्लीव्स को उल्टा रखेंगे इस तरीके से। मिडल से शुरू करें और दोनों तरफ को मिलाते हुए सिलाई कर दीजिए। इस तरह भी वही करेंगे हम। इसी तरीके से दूसरी स्लीव्स को भी हम अटैच कर लेंगे राइट पार्ट के ऊपर। स्लीव्स को उल्टा रख दीजिए और दोनों तरफ मिडल से सिलाई कर दीजिए। ये देखिए स्लीव्स को हमने अटैच कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे ताकि हम इसकी फिटिंग कर सकें। अब हम इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो फिटिंग करने के लिए देखिए चेस्ट का जितना भी पार्ट हो आपको उसको हाफ लेना है, प्लस 1 इंच ले लेना है आपको लूजिंग के लिए। मैं यहाँ पे 19 इंचेस ले रही हूँ। यहाँ से 15 इंच पे होगी हमारी कमर की चौड़ाई। कमर की चौड़ाई में भी आपको हाफ करना है, प्लस 1 इंच हम लूजिंग के लिए लेंगे। तो इस तरफ भी हम, मैं ले रही हूँ यहाँ पे 17 इंचेस। आप सारे मेजरमेंट अपने हिसाब से लें। स्लीव्स की चौड़ाई देख लेते हैं, मैं ले रही हूँ यहाँ पे 5 इंचेस की स्लीव्स की चौड़ाई। अब सारे पॉइंट्स को हम इस तरीके से जॉइन कर लेंगे और यहाँ से हम उसको बस इस तरीके से पूरी लेंथ में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से इस तरफ भी करना है। सारे पॉइंट्स को जॉइन कर दीजिए और यहाँ से बस पूरी लेंथ में आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरीके से हमारी स्लीव्स की और पूरी फिटिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने इस तरीके से इसकी फिटिंग भी कर ली है। अब बारी आती है नीचे की बॉर्डर फोल्ड करने की। तो यहाँ पे रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लीजिए और पूरे में सिलाई कर दीजिए, तो हमारी बॉर्डर फोल्ड हो जाएगी। तो नीचे की बॉर्डर हमारी फोल्ड हो गई है और इसी के साथ तैयार हो गई है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।